हाई एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो आज का हमारा प्रीमिक्स नंबर 128 है। सो वील डिस्कस सर्टेन करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो पहला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस इज बीइंग हेडेड बाय, सो दिस इज एक्चुअली अंडर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। सो ये बताना है कौन हेड कर रहा है ये नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस को, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरमैन, या पीएमओ, या फिर नन ऑफ द अबव। सो प्लीज मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली बींग हेडेड बाय वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। सो डोंट कन्फ्यूज इट विद द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग विच इज द प्राइम मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। सो डू रीड अबाउट नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हमारा एक वीडियो भी है, तो प्लीज उसको देख लीजिए, हार्डली 10 मिनट्स का है, बहुत अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर निर्भया फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर कवर्ड, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, चिराली स्कीम, आभ्या प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से निर्भया फंड से के अंडर आते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बतानी है, 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या तीनों के तीनों। सो प्लीज मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल। देखो, निर्भया फंड बनाया किसने था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, बट अभी जो भी स्कीम्स जिसके अंडर आती हैं वो अप्रेज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्कीम्स है, जैसे वन स्टॉप सेंटर स्कीम, दैट इज ऑल्सो नोन एज द सखी स्कीम, ये इसके अंडर है। ये है कि वुमेन हु आर अफ्लिक्टेड विद एनी काइंड ऑफ वायलेंस, ठीक है, उनके लिए, लेट्स से उनको मेडिकल हेल्प चाहिए, लीगल, साइकोलॉजिकल, तो उनके लिए एक वन स्टॉप सेंटर बना दिया है, ऑल्सो नोन एज सखी स्कीम। और देन वी हैव द अभया प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये आंध्र प्रदेश की एक स्कीम है, अगेन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। सो इट हैज बीन प्रपोज्ड बाय आंध्र प्रदेश, इट वुड बी फंडेड अंडर द निर्भया फंड। एंड देन चिराली इज राजस्थान, ठीक है। ये भी बेसिकली वुमेन के लिए है कि एक इनेबलिंग एनवायरमेंट बनाए, ताकि द वुमेन दे कैन एक्चुअली मूव फ्रीली एंड मेक यूज ऑफ द चॉइसेस, स्पेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर ओवरऑल वेलबींग। तो ये अगर आप निर्भया फंड PIB पे सर्च करो, सो यू कैन एक्चुअली फाइंड ऑल ऑफ दीज। सो प्लीज गो थ्रू that page at least once, ताकि आपको idea हो जाए। Okay, next question है, consider the following, आपको बताना है कौन से correctly matched हैं। So dengue, AIDS, Zika, Culex, Japanese encephalitis, ठीक है। So ये कुछ हमारे पास diseases हैं, इनके जो vectors हैं are they correctly matched or not, ये आपको बताना है, right? So which of the following are correctly matched, 1 and 3, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या all? So please mark your correct answer. So the correct answer is 1 and 3 only. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंगी हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका आपने सुना होगा, ठीक है, जीका हो गया, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इनफैक्ट एक येलो फीवर करके भी होता है, ठीक है। ये जो चार डिजीजेस हैं, दे आर स्प्रेड बाय एडीज, इन चारों का वेक्टर, डेंगी, चिकनगुनिया, जीका और येलो फीवर, इन चारों का वेक्टर इज एडीज, ठीक है। तो जीका का तो एडीज हो गया, ठीक है, तो क्यूलेक्स इज द रॉन्ग वन, ठीक है, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। देन यू हैव समथिंग नोन एज जापानीज इंसेफेलाइटिस, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द डेथ्स। तो ये क्यूलेक्स करता है इसको ट्रांसमिट, और क्यूलेक्स एक और करता है जिसको हम वेस्ट नाइल फीवर भी कहते हैं, ठीक है। तो रिलेट करके अगर हम करें तो चीज़ें याद है, तो दोनों जैसे जगहों के नाम पे, जापान और ये वेस्ट नाइल, नाइल से आप याद कर लो, सो दे आर ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स, ठीक है। उसके बाद डेंगी, चिकनगुनिया, अगेन जीका एंड येलो फीवर बाय एडीज। देन एक हमारे पास काला अजार होता है, वो अलग ही है, उसका वेक्टर है सैंड फ्लाई, ठीक है। सो दीज आर दी वेक्टर्स, आपको वेक्टर्स पता होने चाहिए कौन से डिजीज का कौन सा वेक्टर है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास स्कीम है स्त्री स्वाभिमान स्कीम, ठीक है, आपने सुना होगा, तो बताना है इसके बारे में स्टेटमेंट्स कौन सी सही है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 only 2 only, दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही गलत है, राइट। सो प्लीज मार्क योर आंसर्स। सो द करेक्ट आंसर इज 2 only। देखो, जो स्त्री स्वाभिमान स्कीम है ना, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा यूनिक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करी है, ठीक है। और क्या एम है इस स्कीम का, सस्टेनेबल मॉडल फॉर प्रोवाइडिंग एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन एक्सेस टू अफोर्डेबल सैनिटरी प्रोडक्ट्स,
ठीक है. सो दिस इज देयर मेंस्ट्रुअल हाइजीन एटसेट्रा अफोर्डेबल सैनिटरी प्रोडक्ट्स के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना है, ठीक है, बाय लीवरेजिंग द कॉमन सर्विस सेंटर्स. ठीक है, तो कॉमन सर्विस सेंटर्स इनको इंप्लीमेंट करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज मिनिस्ट्री कौन सी है, क्योंकि इसमें लोगों को लगेगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगी, तो वो नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिकॉज जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो बेसिकली इस मिनिस्ट्री के अंडर है. सो प्लीज डू रीड अबाउट दिस स्कीम एटलीस्ट वंस, पीआईबी खोल लीजिए और उससे एक बार स्त्री स्वाभिमान के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है. ओके, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो जीआई टैक्स के ऊपर है. आपको बताना है क्या ये करेक्टली मैच्ड है, जो हमारे पास जो ये है, आर दे करेक्टली मैच्ड विद द करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन के, यही मिलते हैं, ठीक है. सो वी हैव बनागाना पहले मैंगोज इन आंध्र प्रदेश, टूलापंजी राइस वेस्ट बंगाल, या एतिको पक्का चॉइस केरला. जो आपको बताना है कौन सी स्टेट में कौन से करेक्टली मैच्ड है, 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3, या ऑल ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड, राइट. सो प्लीज मार्क योर आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली, राइट, दिस इज रॉन्ग. सो अब अगर हम देखें, एटलीस्ट जो लास्ट ईयर के जीआई टैक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. सो मैंगोज हैं आंध्र प्रदेश के, टूलापंजी राइस इज वेस्ट बंगाल, राइट, देन वी हैव दार्जिलिंग टी, तिरुपति लड्डू कांगराई, कुछ इंपॉर्टेंट है नागपुर ऑरेंज, कश्मीर पश्मीना, तेलंगाना का पोचमपल्ली इक्कत, इट्स अ काइंड ऑफ अ सारी, देन गोविंद भोग राइस ऑफ वेस्ट बंगाल. तो राइस दो तरह के हैं, दोनों ही वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है, टूलापंजी एंड गोविंद भोग, ठीक है. देन यू हैव दुर्गी स्टोन कार्विंग्स एंड एतिको पक्का टॉयज ऑफ आंध्र प्रदेश. दे आर नॉट फ्रॉम दिस केरला, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है. सो दिस इज देयर. एंड देन यू हैव चक शशांक शॉल ऑफ नागालैंड, राइट. सो दीज आर द जी आई टैग्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द प्रीमिक्स फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.